नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं विश्व वन्य जीव दिवस पर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय, जिसे हम बोलते हैं थीम, वो है युवा की आवाज सुने, लिसन टू द यंग वॉइसेस। तो क्या है विश्व वन्य जीव दिवस का इतिहास? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें अधिवेशन में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं वनस्पति के लुप्त प्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु 3 मार्च को प्रति वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1872 में वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII की स्थापना 1982 में की गई। यह संस्थान केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासी संस्थान है, जिसे वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य जीव संबंधित अपराधों को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण निदेशक के अंतर्गत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासित इकाई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में स्थित हैं। भारत में वन और वन्य जीवों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में 42वें संशोधन 1976 अधिनियम के द्वारा 2 नए अनुच्छेद 48I व 51 को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय के समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना 2002 से 2016 को अपनाया गया, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी तथा उनकी सहायता पर बल दिया गया। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम 1872 में वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था। वर्ष 1927 में भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसके प्रावधानों के अनुसार वन्य जीवों के शिकार एवं वनों की अवैध कटाई को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई। 1956 में पुनः भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह एक व्यापक केंद्रीय कानून है, जिसमें विलुप्त होते वन्य जीवों तथा अन्य लुप्त प्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान है। वन्य जीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन जीव योजना 1983 में प्रारंभ की गई। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी को विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में बताया है। यह कब मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या इतिहास है और कौन कौन सी संस्थान इससे जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।